चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। शमेला मुझे तो वो आ रही है खट्टी खट्टी कब से। वो तो आएंगी, इतना ज्यादा जो खा लिया आपने। कहाँ, सिर्फ 6 चपातियाँ थी और ये इतना डोंगा कोई कोरमे का था बस। अरे भाई तो तुम्हें इतना ज्यादा खाने की जरूरत क्या थी। ओए मैं क्या करती, मेरे फेफड़ों में कबूतर उड़ रहे थे मनवर। महमूद ने, महमूद भाई के फेफड़े तो पिछले महीने डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिए हुए थे। अरे ये क्या उल्फाउल बके जा रही हो मुमताज। भाड़ में जाए मुमताज। कफील जा जल्दी से मेरे लिए 3 प्लेट डबल बिरयानी और उसके साथ तुमने रायता और सलाद भी लानी है। जा शाबाश। उम्मा जी अभी तो आपने रात का खाना खाया यार। अब तो रात का तो मैंने खा लिया है पर सवेरे का और दोपहर का भी खा के सोऊंगी, कल रोजा जो रखना है। माँ जी इतना खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई नहीं, कल भी मैंने तेरी वजह से बगैर सरी का रोजा रखा था तो मुझे अब कल भी रोजा रखना है। मैं तो भाई पूरी तैयारी करूंगी। जा जाके बिरयानी लेकर आ तू मेरे लिए। और जानू पैसे दो यार, माँ जी के लिए बिरयानी लेके आऊं। लाती हूँ, जल्दी लेकर आ, मुझे बिरयानी खा के सोना भी है, उसके बाद फिर सहरी में भी उठना है। तुम्हें अल्लाह ही उठाएगा सहरी पे। बस कर दो मोमो। अब आधी रात को मैं आपको बस कहाँ से करा के दूँ। अरे सो जाओ यार। सोते सोते में मैं खाऊंगी कैसे मसाऊद। अरे तुम तो पहले ही बहुत कुछ खा चुकी हुई हो, अब सो जाओ यार। मुझे नींद नहीं आ रही अफ्तखार, अगर आज मेरी वो ना खुली तो। वो क्या? वही जो बड़ी मुश्किल से खुलती है, हमारे कमरे की खिड़की। खिड़की नहीं मसाऊद, वो जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती है ना। कौन? हमारी पड़ोसन। ये जो छत पे खड़े होके छुप छुप के आप उसको देखते रहते हैं, किसी दिन आंख फोड़ देनी है मैंने आपकी आंख। हाँ अगर सहरी में मेरी आंख ना खुली तो। अरे मोमो तुमने अलार्म लगाया हुआ है ना भाई, खुल जाएगी आंख। अच्छा प्लीज मुझे भी सोने दो, तुम भी सो जाओ। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए यार। चालू ले आओ यार, पहले ही वक्त कम रह गया भाई। तुम सहरी नहीं कर सकते नबील। क्यों नहीं कर सकता मैं सहरी? मैं तुम्हारे पापा की तरह रोजा छोड़ता नहीं हूँ, बड़ा पक्का मुसलमान हूँ मैं। मुझे तुम बहुत पक्के हो, वो मुसलमान हो? हाँ जी। अच्छा, किचन में सहरी के लिए कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रही हो, मैंने खुद दूध में फेनिया भिगोई थी यार। अरे मैंने इतना बड़ा जग लस्सी का बना के फ्रिज में रखा था ताकि सहरी के वक्त ठंडी ठंडी लस्सी पी सके। फ्रिज में कुछ नहीं है नबील, रात का बचा हुआ खाना भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो सकता है भाई, कहाँ गया, कौन खा गया खाना? मोमो तुम सहरी कर चुकी हो? हाँ जी फिजान, जो फ्रिज में खाना पड़ा था, जो लस्सी वगैरह सब, वो मैंने खा लिया है। माँ जी इतना सारा खाना आप कैसे खा गई? ओ तो ला यहाँ रख खाना, मैं खा के बताती हूँ कैसे खा गई। माँ जी अब हम सहरी में क्या करेंगे यार, क्या खाएंगे? हाँ तो तुम बगैर सहरी का रोजा रख लो ना, ज्यादा वो मिलेगा तुम लोगों को। अरे छोड़ो यार नबील, इसको मस्जिद में जाके सहरी कर लेते हैं, इससे पहले कि सहरी का टाइम खत्म हो जाए। आ जाओ। रुक जाए, सहरी का टाइम खत्म हो गया। आवाजें कहाँ से आ रही हैं? घबरान, ये मेरे दिल की आवाज है। अरे दिल की आवाज ऐसे तो नहीं होती भाई। चुपे! आपने कभी मेरे दिल की आवाज सुनी ही नहीं है शुकूर। महमूद न, महमूद ने भी कभी नहीं सुनी। अरे मुमताज ये आवाज तुम्हारे पेट से आ रही है। हाँ।
क्या अल्लाह खैर। अरे मुमताज तुम ठीक तो हो ना? हाय मैं मर गई, मैं ना मरी। लेकिन तुम तो मरने के बाद भी बोल रही हो। मुझे वो लग गए हैं। वो क्या? वो जो लूज लूज होते हैं ना। क्या लूज लूज भाई? गुलाब, अफ्तखार गुलाब। मोमो मैं इस वक्त तुम्हारे लिए गुलाब कहाँ से लाऊं भाई? ओए मुझे गुलाब लग गए शहाब गुलाब। ओहो तो ये कौन है कि तुम्हें लूज मोशन लग गए हैं? ये कैसे लूज मोशन है भाई? बचाओ। अरे नबील नबील खूबसूरत नबील। अरे नबील खूबसूरत, अरे बाहर आओ यार नबील। यार क्या हो गया यार, मैं मुंह साफ यार, बगैर सहरी के रोजा रखा है मैंने यार, और मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा दिन कमरे में रेस्ट करूंगा, अफ्तार से 5 मिनट पहले आऊंगा। नबील तुम्हारी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? सच सच बता दरिंदे, तूने मार दिया मेरी माँ को। नहीं भाई, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे लूज मोशन हो रहे हैं। ये तो होना ही था, पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में जो खा लिया। मर गई, मैं मर गई, बस मैं मरने ही वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। हाँ तो देखो ना, इतना मुबारक महीना मिल रहा है तुम्हारी माँ को। मोमो तुम बेफिक्र होके मर जाओ। वैसे माँ जी मैं मुसाफ क्या है, तो ठीक रहे यार। चुपे, मैंने इतनी जल्दी नहीं मरना कफील। ओ माँ जी मरते मरते तो मेरा नाम ठीक लेना यार, नबील नबील। नबील बेशक मर जाए, मैंने नहीं मरना। ओ कोई नहीं मर रहा यार, नबील तुम जाके डॉक्टर को फोन करो। ओके जानू मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। चले महमूद साहब आप माँ जी को अंदर लेके जाएं, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नसीन मैं मर गई। खूबसूरत, थैंक यू, मरते मरते भी मैं खूबसूरत लग रही हूँ। अच्छा चलो अंदर आओ, लेटो चलो। क्या अब्बा, या अल्लाह कोई मरीज भेज दे या मेरे दीवे को ऊपर बुला ले या अल्लाह। हेलो हेलो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा बीपी सुबह से लो हो रहा है, बताएं मैं क्या करूं? आप फौरन यहां आ जाएं। अच्छा वहां आने से मेरा बीपी ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? तो यार मैं डॉक्टर नहीं हूं भाई, मैं नबील बात कर रहा हूं, बुलबुल वाला खोए वाला मलाई वाला। माँ जी की हालत ठीक नहीं है, जल्दी से यहाँ आ जाए डॉक्टर साहब। अच्छा भाई मैं ठीक है, मैं अफ्तार के बाद आ जाऊंगा। और डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हो यार, डबल पीस ले लेना, फौरन आओ यार डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लो यार, मेरी माँ को बचा लो, माँ को। अरे भाई मैं अभी नहीं आ सकता भाई। एसी तो पहले ही खराब था और अब बिजली भी कट गई है। कान खोल के सुन लो, मैं इफ्तारी नहीं बनाऊंगी आज, और तू ना थोड़ा जाओ। हेलो हेलो मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ नबील भाई, एक मिनट आ रहा हूँ। भाड़ में जाओ तू। अरे मोमो हौसला रखो यार। कहाँ रखो हौसलों का, कहाँ रखो। डॉक्टर डॉक्टर साहब आ रहे आ रहे आ रहे। माँ जी अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो रोजा खोल ले। तू तो चाहती है मैं गुनाह में वो हो जाऊं, मैंने अपना रोजा नहीं खोलना है। देख लिया जानू तुमने, कितनी नेक औरत है मेरी माँ, रोजे की हालत में मरना चाहती है। नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती कफील, अभी मेरी उम्र क्या है? बचपन। हाँ अभी तो मेरा बचपन है मसूद। मेरे ख्याल में डॉक्टर आ गया, मैं देखती हूँ। देख क्या डॉक्टर? माँ जी माँ जी। ओहो आ रही हूँ। अबे क्या हो गया बेगम, तुम मुझे बाहर भी सुकून का सांस नहीं लेने देती भाई। अबे मैं मरीज देखने आया हूँ यार, रखो फोन। डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? मुझे लग रहा है मेरी तबीयत बिगड़ रही है भाई, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ भाई। लेकिन आप तो खुद डॉक्टर हैं। अरे हाँ भाई, लेकिन मैं अपना इलाज तो किसी सचमुच वाले डॉक्टर से कराऊंगा ना। क्या? अरे हाँ भाई जल्दी करो भाई, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पे होगी। खुद से अच्छा चलिए प्लीज। डॉक्टर साहब अब पक्की बात है आप ठीक है? डॉक्टर
तुम मेरी माँ का इलाज किए बगैर नहीं मर सकते। अरे भाई बर्फ से क्या हो, बर्फ बर्फ से क्या हो? अरे तुम क्या मोमो को बर्फ खिलाओगे? अरे नहीं भाई, अपने सर पे रखूंगा। मुझे लग रहा है महमूद साहब मुझे लूर रख गई है तू। चलो तुम एक काम करो, किचन में जाओ, फ्रिज में जितनी भी बर्फ पड़ी है ले आओ। यार आप पहले माँ जी को तो देख ले। एक मिनट, एक मिनट, फोन आया। बीबी का? हाँ भाई। हाँ हेलो। अरे हाँ भाई, अगर बिजली कटी हुई है तो मैं क्या करूँ? मेरा घर काट दो, मुझे मार दो। रखो भाई, मरीज दे इतना तो भाई। ये आप लोगों ने एसी कितने का दिया भाई? 1,00,000 का, पापा ने लगवाया था। मुझे किस्तों में दिलवा देंगे आपके पापा 500 रुपए महीना पे? अरे एसी को छोड़, तू मोमो का इलाज करना पहले। अच्छा, अगर इलाज कर दूंगा तो आप मेरे घर में एसी लगवा देंगे? ओ भाई, तू पहले माँ जी का इलाज तो शुरू कर यार। एक्सक्यूज मी, जरा आप लोग मुझे संभालिएगा भाई। माँ जी का इलाज शुरू कर रहा भाई। माँ जी घबराया नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा इंजेक्शन लगाने वाला हूँ। ओ भाई जल्दी कर यार, माँ जी की हालत नहीं देख रहा। ये छोटा सा इंजेक्शन ये लगाने वाला हूँ। ये रहा माँ जी इंजेक्शन छोटा सा। अरे मोमो, अरे माँ जी, माँ जी, माँ जी, अरे आओ ना। ओए डॉक्टर, मैंने नहीं इंजेक्शन लगाया। माँ जी छोटा सा इंजेक्शन है भाई ये। थका दिया आपने, ये छोटा सा इंजेक्शन लगा दे फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो देख कौवा। माँ जी, माँ जी ये इंजेक्शन लगवा दे। पकड़ के इंजेक्शन लगवाओ यार, ये क्या कर रही है मोमो? अरे मोमो ये क्या कर दिया तुमने? अरे रोजे में कत्ल कर दिया। माँ जी मैं आपको रोज जेल मिलने आया करूँगा। वकील! माँ जी आपको अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कोई नहीं लेकर जाएगा माँ जी को यार। क्या मतलब जानू, तुम मेरी माँ का इल्जाम अपने सर ले लोगी? हाय मैं तुझे वैसे ही कुन्नी मिसरी मक्कार चड़ैल समझती रही सनोबर। खूबसूरत हाय तेरा गुर्दा कितना खूबसूरत निकला नसरीन। दिल, और मैं तो कहता हूँ कि जिसने गुनाह किया सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, मोमो को ही जेल जाना चाहिए। जब नोरीन मेरे बजाय जेल जाने को तैयार है तो आपको क्या तकलीफ है? ओहो आप लोग मेरी बात तो सुने यार। ना जानू ना, तुम अपना फैसला नहीं बदल सकती हो, अब तुम्हें ही जेल जाना होगा। अरे भाई मैं मरा थोड़ी हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे एसी वाले कमरे में ले सो। खूबसूरत माँ जी, थैंक यू थैंक यू। मैं भी आती हूँ। अरे नबील, ये तो इसकी बीवी का फोन है। ये तुम बात करो और सुनो, इसकी इस हालत का मत बताना, बल्कि ऐसा करो कि तुम खुद डॉक्टर बन के बात कर लो उससे। जानू मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। जानू आज वो दिन आ गया। शट अप नबील, फोन उठाओ। हाँ हाँ हेलो बेगम। कहाँ मर गए तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आए? बेगम आज ना थोड़ी देर हो जाएगी। सब जानती हूँ मैं, इलाज के बहाने ना तुम अपनी साप का मंगेतर से मिलने जाते हो। ओ बेगम मैं तो बुलबुले बाबू के घर हूँ, माँ जी का इलाज चल रहा है भाई। घर की बिजली कट चुकी है, बच्चे सुबह से पड़ोस में हैं और तुम बुलबुले वालों के घर जाके बैठ गए हो। अरे ये ना मंगते हैं और फीस भी पूरी नहीं देते, थर्ड में जाओ तुम। महमूद साहब वो तो हमें मंगता कह रही है यार। सिर्फ तुम्हें कह रही होगी नबी। महमूद साहब रोजे में भी चैन नहीं है, चीनी मांगने आ गई है। मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ। फिर देने आई है? मैं शर्मीली हूँ। लो जी देने, दिलाने में कैसी शर्म, जितना दिल चाहे दे दे। अरे क्या दे दे, मैं अपना शोहर लेने आई हूँ। कहाँ है तेरा शोहर? तुम्हारे घर में। हुश्यवश, इसका मतलब है मसूद ने दो दो शादियाँ कर रखी है। कौन मसूद? हम दोनों का शोहर बहन और कौन? क्या उस डॉक्टर के बच्चे ने तुमसे शादी की हुई है? नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, मेरा शोहर तो पायलट है बच्चू। जहाज उड़ाता है? नहीं नहीं मक्खियाँ उड़ाता है। अरे तुम्हारा शोहर आखिर है कौन? वो जो उड़ने वाला होता है ना। मच्छर? नहीं नहीं जो बड़ा जहरीला होता है ना। सांप? हाँ 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 सांप, मेरा मियाँ उड़ने वाला सांप है। साफ साफ बताओ कौन
है तुम्हारा शौहर? वो जो बड़े सारे मुंह वाला है ना। ओहो, तुम महमूद साहब की बात कर रही हो? जी नहीं, मेरा शौहर डॉक्टर है। डॉक्टर, हटो पीछे। जानू, मैं तो कहता हूँ इसको पड़ा रहने देते हैं यहाँ, हम चल के अपने कमरे में आराम कर लेते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, मेरा भी तो रोजा है। ये अफ्तखार कमी नहीं आई है। मेरा नाम शर्मीली है। हाय हाय, ये क्या कर दिया जालिमों, किसने की इनकी ये हालत? आप टेंशन ना ले, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे अभी। हाय, मैंने आज तक एक उंगली नहीं लगाई, बस बल्ले से मारा था एक दफा, हड्डी टूटी थी बस, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आई थी। देखिए, आप इन्हें घर ले जाएं, कुछ देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाय, पहले मेरे शौहर की ये हालत कर दी, अब घर भिजवा रहे हैं। हाँ, मैं पुलिस बुलाऊंगी, केस करवाऊंगी। मेरे मामू का बेटा ना वकील है। हाँ हाँ, तो मेरा भी पुत्र वकील है बच्चू। ओ माँ जी, नबील चुप है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाय, तुम लोग कितने जालिम लोग हो, एक तो मेरे शौहर की ये हालत कर दी, ऊपर से घर से निकाल रहे हो। मेरा शौहर अगर मर गया तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं आके जला दिया करूंगी बस। हाय, कुछ करो डॉक्टर साहब। हाय, ये तो आंखें भी नहीं खोल रहे, ठंडे पानी की पट्टियां तो लेकर आओ, एसी तेज करो, हवा दो, हवा दो, कुछ करो। बड़ी मरोड़ पड़ी है, बड़ी मरोड़ पड़ी है। आइंदा कम खाइएगा ना माँ जी। देख ले कफील, तेरी बीवी ना मेरे नवाले गिन रही है। आए खूबसूरत, अगर मेरी माँ की चार रोटियां तुम पे भारी पड़ रही है ना, तो मुझे साफ साफ बता दो भाई। बता दूं तो तुम क्या कर लोगे? मैं किसी ऐसी लड़की से दूसरी शादी करूंगा जो मेरी माँ की रोटियां बर्दाश्त कर सके। देखिए मेरे लाल की गैरत आपने मसाऊद, वो जो मैंने अभी अभी देखी है, तुम्हारे लाल की गैरत है? हाँ जी। अच्छा जी। हाय मेरा शौहर। हाय बुलबुले वालों, मेरे शौहर की हालत बहुत नाजुक लग रही है। अच्छा तो क्या करूं, एम्बुलेंस मंगवा लूं? एम्बुलेंस नहीं, अफ्तार मंगवा लें। क्या पता मेरे शौहर की आज आखिरी अफ्तारी हो, इसलिए अफ्तार ना शानदार होना चाहिए। अच्छा आप बता दे क्या खाएंगे, वो इफ्तारी पे मंगा देते। नहीं भाई नहीं, ऐसी ना हालत में मेरा शौहर घर की इफ्तारी खाएगा बस। आप लोग ऐसा करो कि बाजार से सब्जियां, दूध, फ्रूट वगैरह सब मंगवा लो, इफ्तारी घर में बनाना। नहीं भाई, आज मैं घर पे कुछ नहीं बना रही। और मैं तो खुद बड़ी बीमार हूँ। हाय कैसे बदखलाक हो तुम लोग, पता नहीं मेरे शौहर के साथ क्या क्या किया तुम लोगों ने। इससे अच्छा तो मैं पुलिस बुला लेती हूँ। बेचारा बिल्कुल निढाल है, अब तो ना पुलिस आके फैसला करेगी। देखिए पुलिस ना बुलवाएं आप, मैं कुछ करता हूँ, हम लोग कर लेते हैं इफ्तारी। ठीक है, मेरे लिए लाल शरबत बनाना और मेरे शौहर के लिए पीला वाला। नीला मेरे लिए, नीले वाला शरबत प्लीज। हाँ मेरा जाम नहीं कर लेना। ओ यार बस कर रहे हैं यार। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? भाई बेगम, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है कसम से। अब तो जहाँ भी देखता हूँ ना, एक ही चीज नजर आती है मुझे। मेरा चेहरा? नहीं, पकौड़े। ना ना डॉक्टर, पकौड़ों का नाम ना लेना, डॉक्टर पकौड़ों का नाम ना लेना। ओए मैंने सहरी में अफ्तारी के बच्चे सारे पकौड़े खा लिए, बिरयानी, कीमा दम का, पूरी पराठा, टिक्के, कबाब, हेनिया, किलो दूध में खजले, तीन पराठे, सिर्फ 6 अंडे, ये खाया मैंने। उसके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, उशा उशे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। नबील मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे कोई काम ना कहना। जानू बहुत काम चोर होती जा रही हो तुम। नबील, वो डॉक्टर उसकी बीवी इफ्तार पे इतना कुछ खा चुके हैं, फिर भी हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने को मांगे जा रहे हैं। हाँ भाई नबील, ठीक कह रही है वो। अरे उनका कुछ करो, मेरे कमरे पे कब्जा करके बैठ गए हैं। तो आप भी तो मेरी माँ पे कब्जा ही करके बैठ गए ना यार। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ भाई। अगर आप मेरे बाप होते ना, तो मैं पैदा ही होते अपनी नस काट लेता। अरे तो अब काट लो, सौतेला ही सही बाप तो हूँ ना तुम्हारा। महमूद साहब, मैं पहले ही आपके बड़े मुंह की वजह से ना बड़ी जिल्लत उठा चुका हूँ।
अपनी नस काट के मैं और जिल्लत नहीं उठाऊंगा। नबील मेहमान साहब। ओ गॉड, आप लोग तो लड़ना बंद करें और प्लीज उस डॉक्टर उसकी बीवी को निकाले। ये डॉक्टर ना बड़ा लालची है शकीला, थोड़े बहुत ही पैसे दे दे फौरन उधर से भाग जाएगा। जानू वो पैसे तो मुझे दो, फिर तुम देखना मैं उस डॉक्टर के बच्चे को कैसे लाते मार के निकालता हूँ। ठीक है, दे दूंगी पैसे, पहले उसे निकालो किसी भी तरह। अभी लो जानू। चले मैं मुसा भाई, मैं अपना हिस्सा लूंगा बीच में से। ले लीजिएगा अपना हिस्सा पड़े मुंह वाले सांप। चले भाई। वाह बेगम, काम तो बहुत ठंडा हो गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा और ठंडा करता हूँ। हाँ, अरे तुम तो बहुत ही चालाक निकले। अच्छा किया तुमने सारा प्लान मुझे मैसेज कर दिया। सारा दिन बहुत मजा आया, एसी में आराम भी किया और शानदार इफ्तारी भी मिल गई। मैं तो कहती हूँ कि कुछ ऐसा करो कि सारा रमजान इन्हीं के यहाँ गुजर जाए। हाँ, तुम ऐसा करो कि तुम अपना पैर तोड़वा लो, फिर मैं कहूंगी हाय मैं अपना माजूर हस्बैंड लेके कहाँ जाऊँ। अरे बेगम, ये लोग तो इतने बेवकूफ निकले, मैंने चकराने का ड्रामा क्या किया, सबके सब डर गए। अभी तो रात का डिनर होगा शानदार, और शहरी में मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे आलू के पराठे बनवाऊं और साथ में आम का अचार। आम का अचार, आलू के पराठे, और तू खाएगा अब। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल।